राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2023 यानी कि सीजन 16 का 37वां मुकाबला राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया और ये निर्णय टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। दरअसल जॉस बटलर यशस्वी जायसवाल की जोड़ी टीम के लिए पारी का आगाज करने के लिए उतरी और इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बेहतरीन आगाज रहा। दरअसल टीम ने पहले ही ओवर से प्रहार करना शुरू किया, पहले ही ओवर में 16 रन बटोरे। इसके बाद टीम अपने 50 रन के स्कोर तक चौथे ओवर में पहुंची और इसके बाद लगातार टीम ने रन स्कोर करना शुरू किया। आपको बता दें कि इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के लिए रन स्कोर आगे बढ़ाने का काम युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने किया। अपने फेवरेट खिलाड़ी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई के सामने खेल रहे यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में 26 गेंदों में पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ रन बटोरे। मैच के दौरान यशस्वी जायसवाल ने 43 गेंदों का सामना किया और कुल 77 रन की पारी खेली। इस दौरान 4 लंबे लंबे छक्के, 8 चौके और 179 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने रविंद्र जडेजा के सामने इस दौरान एक रिवर्स स्वीप के दौरान एक बेहतरीन छक्का भी लगाया जो अपने आप में खास रहा। इसके अलावा जायसवाल ने तमाम गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए ताबड़तोड़ रन बरसाए और खूब शॉट लगाते हुए मजे से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। यशस्वी जायसवाल का विकेट तुषार देशपांडे ने लिया, अजंक्य रहाणे ने उनका कैच लपका और पवेलियन वापस भेजा। बता दें कि जायसवाल के अलावा टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज ज्यादा बड़ी पारी खेलता हुआ नजर नहीं आया। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।